एक पॉलिसी का ना आपने टारगेट रखा, अच्छी बात है, लेकिन एक पॉलिसी के मुकाबले आप टारगेट कुछ ऐसा रखें कि उसे एक के लिए मुलाकात कितनों से करनी है। आप टारगेट ये रखेंगे तो आपके उसके पूरा होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आप मुलाकात कम से कम जो पॉलिसी पांच होगी या लोगों नहीं से, होगी। हाँ जी, कम से कम पांच लोगों से पांच लोगों सर से क्या, मुलाकात करनी है। हाँ मतलब इस तरीके का यदि हम, हाँ वो वाला टारगेट यदि हम रखेंगे। एक्चुअली क्या है टारगेट, मतलब ऐसा हो कि जो कि मतलब हमारे हाथ में हो। अब हम पॉलिसी का टारगेट रखेंगे तो पॉलिसी का तो वो पूरा होएगा नहीं होएगा उसके लिए तो हम कोई गारंटी ले नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये गारंटी जरूर ले सकते हैं कि हमारी नंबर ऑफ मीटिंग कितनी होंगी, कितने लोगों से होंगी, कब कब होंगी। कम से कम ये वाला टारगेट लिया जा सकता है। और यदि हमने ये वाला टारगेट ले लिया कि रोजाना हमारी कितने लोगों से मीटिंग होने वाली है, तो ये तो हम पूरा कर ही लेंगे ना। अच्छा पॉलिसी वो तो खैर बिकनी ही है ना। आप यदि अपनी एवरेज उठा के देखोगे, मान लो आप उदाहरण के लिए यदि आप इस वाले महीने का, जो अभी जनवरी का महीना गया है, आप इस वाले महीने की एवरेज उठा के देखोगे कि मेरी जनवरी में कितनों को मिलके कितनी हुई। आप यदि ऐसी एवरेज उठा के देखोगे आपको पता लगेगा कि मेरे को एक पॉलिसी खरीदने के लिए कितने लोगों को मिलना पड़ता है। कुछ आपने कभी कैलकुलेशन इस तरीके का किया या नहीं किया, या तो नहीं है कभी सर, आपने इस तरीके से सोचा? हाँ जी, आपने सोचा या तो कभी आपका, हाँ जी क्योंकि छोटे लेवल पे जब करते हैं ना सर, कौन से लेवल पर? जब कम करते हैं तो ये एवरेज नहीं आता। जब ज्यादा अच्छा नहीं नहीं करते वो हैं जब देखो एवरेज का मतलब वो, हाँ एवरेज में, तो ठीक है, ऐसा है हाँ ना, छोटा काम करते हैं तो होता है कि से चलो जो जो बोला उसके पास पहुंच गए, और बाकी कोई नहीं बोल रहा है तो अपना चुपचाप पड़े हुए हैं। ठीक है, बढ़िया। और शेयर जब के, एवरेज की हाँ बात होती है सर, एवरेज की बात होती है जी तो फिर उसमें होता है कि से लोगों से मिलते रहना मिलते रहना मिलते रहना। भाई पांच लोगों से हाँ मिला तो एवरेज आया, छह लोगों से मिला तो एवरेज आया, 10 लोगों से मिला तो एवरेज आया। बढ़िया। आप रिकॉर्ड रखते हो इसका, कहीं पे नोट करके लिख के रखते हो कि कहाँ कहाँ से आपका किस कैसे कैसे मीटिंग्स हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर हो रही हैं, ये सब आप रिकॉर्ड कहीं लिख के रखते हो? तो नहीं लिख के रखता, बस थोड़ा बहुत लिख के रखता हूँ सर। थोड़ा बहुत लिख के रखते हो। यदि आप थोड़ा सा यदि अपना ये नोटिंग करना शुरू करेंगे तो शायद आपका आसान हो जाएगा। नोटिंग में क्या रखना है, किसको किसको मिले, कौन सी तारीख को मिले, कितने बजे मिले, नंबर ऑफ मीटिंग्स यदि आपकी फाइनल हो गई। अब जैसे कल इन्होंने भट्ट जी ने बताया, कल भट्ट जी ने क्या सबसे ज्यादा शानदार बात बताई, कहता जी मैं जैसे मान लीजिए किसी दुकान पे खड़े हैं, जैसे मान लीजिए सिगरेट दुकान पे खड़े हुए, सिगरेट की दुकान पे जितने कस्टमर आ रहे हैं, अरे कोई एक ही बात बोला, सर नमस्कार मैं LIC से हूँ, नया वाला स्कीम आया है सर, ये वाला स्कीम है, 100 रुपए रोज जमा करो, इसके अंदर आपको मिलेगा। अभी समझो उस आदमी ने बोला नहीं मुझे नहीं कराना, तो अगला डायलॉग क्या है इस ऑब्जेक्टिंग करने का, आप बोले नहीं मुझे नहीं कराना, आपने उसको समझाया, उसने बोला नहीं मुझे नहीं कराना, क्या बोलोगे, क्या सर कहोगे उस आदमी को? वही वाली, उसके पास, उसके बदले तो वही डायलॉग है सर कि सर अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन देख क्या, लेते हो तो मेरे को LIC के हाँ तरफ से 100 रुपये मिले। हाँ बस आदमी को क्या लगता है, कल इन्होंने इतनी शानदार बात बताई, आदमी क्या फायदा होगा आदमी को, लगता है चलो मैं इस आदमी की मदद करूं। आदमी को क्या लगता है एक्चुअली 100 नहीं मिलते हैं, एक्चुअली ज्यादा मिलते हैं। आप यदि अपनी परमिशन को डिवाइड करके देखो कि आप टोटल कितने आपने प्रेजेंट दी, तो आपको पता लगेगा कि 100 नहीं है, 100 से ज्यादा थे, 100 से ज्यादा मिले, तो ये आपको पता लगेगा। लेकिन हाँ ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। नरेंद्र जी जुड़ चुके, नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, आपका माइक नरेंद्र जी बंद है, आपका माइक को जब तक ऑन नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि आप बोल क्या रहे हैं। आप कोशिश तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ बोलने की, नहीं आपका माइक ऑन करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, मेरी तरफ से माइक ऑन नहीं करना है, आपको ही माइक को ऑन करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी, माइक 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 माइक,
आपका माइक ऑन होना है, माइक ऑन करना है। ये क्या हो रहा है ये सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। आपका सर विचार चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है सर। इस फरवरी के मंथ में सर एक अभी से सर आज ये दिमाग चल रहा है कि अब तक जो क्या महीने में बहुत अच्छे करना है और करना है, किस तरह से करना है, आइडियाज भी आ रहे हैं और सब कुछ सर लूंगा कुछ चाहता हूँ सर का सर है सर एक टारगेट बनाया हुआ है सर अपना है सर बता देता हूँ सर कोई बात नहीं सर सब लोग सुन भी रहे हैं सर। 3 लाख रुपए सर फ्रेश कमीशन अर्न करना है इस फेब के मंथ में उनको सर कस्टमर जो सर मैं भी बहुत कम कर पाता हूँ घर से सर जल्दी निकलना पड़ेगा और सर मुझे सर जो अपना हो सकता है सर के जो अपने साथ में एक दो कैंडिडेट सर रखना पड़े जो कि मेरा ऑफिस के काम को सर वो काम करे। जैसे मैं कई बार सर जब ऑफिस जाता हूँ सर कई बार सर दूर पड़ता है सर टाइम लग जाता है मुझे तो सर जो सर कोई ध्यान दे सर मुझे डेली सर अपने कोर्सेज सर कोर्स कर रहा हूँ राइट नाउ में अभी भी कोर्स चल रहा है मेरा और सर कुछ और भी सर बुक्स वगैरह जो सर नहीं पढ़ पाता हूँ जी जो सर बुक्स में नहीं पढ़ पाता सर मेरे पास सर बुक्स हैं सर आपके ब्लेसिंग से सर काफी अच्छी सर बुक्स आपने दिलवाई सर मेरे को और मैंने ली है सर आपने बोला कि नंद भाई ये बुक्स लो तो मुझे सर अच्छा लगा बट सर मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ सर ये चीज भी सर मुझे स्टार्ट करनी होगी और सर मैं इनको फरवरी के महीने में ही सर ये अचीव करूंगा और सर 3 लाख रुपए सर फ्रेश कमीशन आएगा तो सर ये कुछ ना कुछ तो भाई चेंजेस करने पड़ेंगे भाई कुछ जब बड़ा करना है तो बड़ा तो फिर करना पड़ेगा एक्शन बड़ा लेना पड़ेगा इमीडिएट लेना पड़ेगा क्योंकि फरवरी में ऐसा ही 2-3 दिन का कमी रहते हैं तो बना रही हैं भाभी जी को नमस्कार बोलिए पीछे में तो बैकग्राउंड में नजर आ रही हैं दादा सर एक्चुअली सर ये कुछ काम कर रहे हैं जी बोल बोल हेलो सर गुड मॉर्निंग नमस्कार गुड मॉर्निंग नमस्ते हाँ जी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आपसे सुबह सुबह मुलाकात हुआ अच्छा लगा बढ़िया लगा बढ़िया जी बहुत बढ़िया बहुत अच्छे सर आपने याद किया मुझे अच्छा लगा हमें भी अच्छा लगा आप यहाँ पर आए आपने सुबह सुबह समय निकाला हमें बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच आप नरेंद्र जी का इतना ध्यान रखते हैं बहुत बढ़िया कुछ कर पाते ध्यान रखते हैं उनको इतना सपोर्ट करते हैं उनका इतना उनको एनकरेज करते हैं उत्साह उनका बढ़ाते रहते हैं इसी वजह से वो सब कुछ कर पाते हैं जी बढ़िया थैंक यू सर कुछ चीजों को लेकर सर चेंजेस करने होंगे क्योंकि सर जब कुछ अच्छा करना है तो सर अच्छा तो कुछ करना ही होगा फिर सीखना होगा अब बाकी सर यस सर एक चीज वो बताऊंगा सर मैं जो राजेश टैगोर जी का जो सर मेरे पास जो सर मैंने उनका जो सर डेमो बुकलेट सर बुक लिया हुआ है सर वो मैंने अभी तक सर यूज बहुत कम किया है लेकिन सर मैंने अभी एक जगह सर एक क्लाइंट को सर परसों ही उपयोग किया धन्यवाद सर उस बुक की वजह से सर वहां से सर एक सर 3500 रुपये मंथली का सर वो अमाउंट सर आ गया है नहीं बया कर सकते तो सर किताबें या सर जो डेमो पेपर है हमारे पास सर बहुत कुछ बोल देते हैं जी जी ठीक बात है सर ये ठीक बात है थर्ड पार्टी इफेक्ट थर्ड पार्टी इफेक्ट बिल्कुल सर किताब की वैल्यू हमारे मूल्य से ज्यादा होती है ज्यादा होती है
एक्चुअली सर मैं और मनीष भाई अभी सर मिले थे हम लोग, एक्चुअली मनीष भाई सर आप कहते हैं कि मनीष भाई का अच्छे दोस्त है, वाकई सर अच्छे दोस्त हैं मनीष भाई और हम, तो मनीष भाई ने बोला अच्छा, 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 बड़ा करना तो बड़ा तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ भाई बिल्कुल सोचना पड़ेगा। तो अभी हम लोग एनएसटी में मिले थे परसों लोग, तो मनीष भाई ने कुछ सिखा दिया, बहुत बढ़िया जी जी। एक्चुअली हम एक घंटे के आसपास साथ में रहे दोनों, तो कैसे करें किस तरह से करें, तो बहुत अच्छा लगा। मनीष भाई ने भी सब कुछ किया, अनिल भाई की कैसे करना तो ऐसे भी करना पड़ेगा। या मनीष भाई गुड मॉर्निंग, मनीष भाई आ गए जी जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी जी, बताएं करेंगे सर, अच्छा करेंगे। बाकी सर देखिए ब्लेसिंग सर ऑलवेज आपकी रहती है सर, कंटिन्यू चाहूंगा सर आपका ब्लेसिंग सर हमेशा रहना चाहिए हमारे लिए, अच्छा करेंगे सर। भगवान का हमारा ब्लेसिंग तो है ही, भगवान का ब्लेसिंग रहना चाहिए बिल्कुल हमेशा जी। ठीक है, गुड, बढ़िया सर। सो हरिराम जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये जितने भी आपने डिसीजन लिए हैं आप इन सबको लिख कर रखिए, आप इनको कहीं ना कहीं लिख कर रखिए, क्योंकि क्या होता है कि हमने जो भी डिसीजन, तो क्योंकि हम जो भी डिसीजन हमने लिया उसको यदि हम लिखते नहीं है ना, तो वो फिर पता लगता है थोड़े दिनों के अंदर ध्यान से उतर गया, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। हमने कोई भी चीज डिसाइड करा तो लिखना उसको जरूरी है। बिल्कुल सर, यही बात। हरिराम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। हरिराम जी, गुड मॉर्निंग मनीष कुमार जी, बताएं सर। सर जैसे आज कोई LIC भेजते हैं तो वो उसमें लक्की ड्रॉ में आएगी? मुझे पता ही नहीं था कल खुला। कल किशन चंद भट्ट जी जो सुबह मीटिंग में आए थे उन्होंने भी बोला था कि दफ्तर आज खुला है। मैंने भी आपको लिख के भेजा था कि दफ्तर आज खुला है, मैंने ग्रुप में भी व्हाट्सएप पर आपको भेजा था, मैंने आपको अलग से भी व्हाट्सएप पर भेजा था कि दफ्तर खुला है। मुझे नहीं पता था कि आपको कल संडे को दफ्तर आने का इच्छा है। कल विकास गोयल जी आए थे, बताइए। चलो ठीक है, विकास गोयल जी आए थे, दो पॉलिसी जमा करा के गए थे। ये चुका है एक बार ना, ये जो व्हाट्सएप का मैसेज जो आता है एक थोड़ा सा नजर उस पर रख लीजिए, तो ये ना मिस नहीं होएगा। जैसे मैंने आपको कल व्हाट्सएप पर भी ग्रुप में भी लिख के भेजा ये दफ्तर खुला है, अलग से भी लिख के भेजा दफ्तर खुला है, लेकिन फिर भी मिस हो गया। ऐसा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा सभी के साथ होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें लाइफ के अंदर ना सभी चीजों को कंट्रोल करके चलना होता है। जैसे किशन चंद ने दफ्तर खुला है और मेरा चार पॉलिसी का वो जो था जो गणेश का जूसर निकला हुआ था, तो वो मेरा अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है, इस वजह से मैं अभी पंत हॉस्पिटल निकल रहा हूँ। मेरा वहां पर मेरे को डेमोन्स्ट्रेशन देना है। भट्ट जी तो थोड़ा सा ना, कल मैंने एक और भी एक बढ़िया चीज मैंने नोटिस किया है, रविराज किशोर जी लिख रहे थे, पेन उनके हाथ में था, लिख रहे थे कि क्या क्या वो जरूरी बातें बता रहे हैं, लिख रहे थे और कुछ जो कि लिख रहे थे, ये जो इंपॉर्टेंट बातें वो लिख रहे थे। लेकिन खैर मैंने आपको लिखने से भी ज्यादा, वैसे तो लिखना तो जरूरी है ही, लेकिन लिखने के साथ साथ मैंने आपके लिए और भी बढ़िया काम करके दिया है। मैंने आपको वीडियो भेज दिया है, मैंने आपको यूट्यूब का लिंक भेजा है, रिकॉर्डिंग भेजा है, लेकिन वीडियो में क्या होता है काट छांट हो जाती है, कई सारी चीजें कट जाती हैं, वो कंप्लीट वीडियो है वो कटा होता है, उसमें से कई सारी चीजें टोटल मीटिंग लंबी होती है, लेकिन जो वीडियो आता है वो एडिटेड होता है, उसमें से कुछ चीजें गायब होती हैं। सो यदि नोट करके रखेंगे तो काम आएगा, ना केवल मीटिंग के लिए बल्कि और भी, जब भी हम किसी से फोन पर बात कर प्रोस्पेक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन दें, हम लिख कर रखें, क्लाइंट को भी अच्छा लगता है कि देखो ये मेरी बात ऐसे हल्के में नहीं ले रहे, ये मेरी बात को लिख रहे हैं, तो क्लाइंट को भी अच्छा लगता है जी। जी सर, जी और कुछ आपकी जी मनीष जी, आपकी इच्छा है कुछ बोलने की? कल की मीटिंग कैसी रही? कल भट्ट जी आए थे, गुड मॉर्निंग सर।
जी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया लगा सर, क्या है आपके जी, क्या क्या अच्छा लगा आपको? हेलो जी, हाँ बताइए, आ रही है, आ रही है, हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, लेकिन उसका फायदा सर भी है अगर इंप्लीमेंट भी किया जाए बिना इंप्लीमेंटेशन क्योंकि दुनिया भर की चीजें अवेलेबल है आजकल यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू अवेलेबल है, टीओटी सबके सब शेयर करते हैं, लेकिन जब तक उनको इंप्लीमेंट ना किया जाए तब तक तो आप यहाँ पर आए, आपको कैसा लगा आज का जो प्रोग्राम है? आप जितनी भी देर, हाँ जी, आज बहुत बहुत स्मार्ट लुकिंग बहुत स्मार्ट तो लुकिंग सर आज चाहिए वो आज 8:30 का क्लास भी है और वहाँ का मीटिंग का रूल है कि उसके अंदर कोट के बिना उधर अलाउड नहीं है, ऐसा रूल है उधर का, ठीक है ना, अलग अलग जगह का अलग अलग रूल होता है, सो हमने रूल नहीं बनाया कि ठीक है कोट पहनना चाहिए रोजाना मीटिंग के अंदर, लेकिन ठीक है उन्होंने तो बना रखा है तो अभी उनका जो है उसके हिसाब से तो चलना ही जरूरी है ना, वैसे तो होना चाहिए, सेल्स पर्सन जब भी है तो उनको कोट के अंदर तो रहना ही चाहिए, वैल्यू बढ़ जाती है आप कस्टमर के पास जब भी जाते हैं, आप कोट वोट टाई में जाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ी जाती है, सो होना चाहिए जब भी हम प्रेजेंटेशन दें या तो फिर हम फिजिकली चाहे वीडियो पर भी यदि हम वीडियो पर भी मीटिंग किया जाए या तो वो मीटिंग्स की सही आप कस्टमर को, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि वीडियो पर कस्टमर को प्रेजेंटेशन देते हैं, आज के हमारे जो टॉपिक थे खैर हम लोग उनको टच नहीं कर पाए, हमारा जो पीडीएफ का 41 पेज का जो पिछली मीटिंग का जो भेजा था मिस्टर राजेश टैगोर जी का, आपने देखा होगा, आपने से किसने किसने देखा वो वाला आप बता सकते हैं किसने किसने देखा? यस सर, मैंने देखा, तो मैंने देखा सर, आपने देखा, तो खैर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी तो फिलहाल हमारा टाइम हो चुका है तो इस वजह से हमें क्लोज करना चाहिए, 8:02 ऊपर हो गए हैं, तो खैर उसको यदि नहीं देखा है तो मैंने फिर से दोबारा से व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर भेजा है, अब दोबारा से उसको एक बार ही देख सकते हैं, सो विश यू ऑल द बेस्ट, कल फिर से मुलाकात करेंगे, एक बार बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टाइम से आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लेट आके क्या होता है कि शुरू का सारा मिस हो जाता है, सो आप यदि पूरा अटेंड करें, मैंने कल भी देखा था कि कल भी भट्ट जी प्रोग्राम के अंदर शुरू में जब ज्वाइनिंग किया था 10:00 के प्रोग्राम में 9:58 अकेले भट्ट जी थे या तो मैं था, उसके बाद क्योंकि नए एजेंट हैं उन बेचारों को पता नहीं है कि लेट आना चाहिए उनको ये बात मालूम नहीं है, वो नए हैं इसलिए उनको लेट आना ये सब बातें मालूम नहीं है, यदि हम लेट आते हैं हम नुकसान अकेले अपना करते हैं, वो बेचारे जो किशन चंद भट्ट थे वो बेचारे नए थे, पहली बार जूम पर वो इस तरीके से जूम का इस्तेमाल पहली बार कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि मेरे सामने 2 लोग बैठे हैं या 20 हैं या 200 हैं, तो उनको ये नहीं पता था, वो बेचारे अपनी पूरी जान लगा के पूरी ताकत लगा के उन्होंने बताने का कोशिश किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ, लोग 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, खैर भगवान भला करे मैं तो नहीं कर सकता, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया जाए यदि उनको फॉलो नहीं करते हैं तो ठीक है नुकसान अपना ही है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, कल की मुलाकात करते हैं, थोड़ा सा टाइम से मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, हमारी मीटिंग हमेशा हमारी मीटिंग कभी भी लेट नहीं होती, ऑन द डॉट होती है, जो भी टाइम होता है एग्जैक्टली उस समय होती है शुरू, लेकिन हाँ लेट आना मीटिंग की आदत नहीं है, आप कस्टमर के पास भी आप नोटिस करिए आप लेट पहुंचते हैं, आप चेक करिए अपने आप को, आप लेट और पंक्चुअलिटी इंसान का बींग होता है, इंसान की आदत होती है, हम एक जगह लेट पहुंचते हैं दूसरी जगह भी लेट पहुंचते हैं, हाँ यदि आपको पता है कि फलानी चीज ऑलरेडी लेट शुरू होने वाली है, आपको पता है डिविजन ऑफिस ने मीटिंग बुलाया ऑलरेडी 1/4 घंटे से पहले शुरू नहीं करेंगे, ठीक है आप लेट पहुंच सकते हैं क्योंकि उनका करेक्ट टाइम ही वही है, लेकिन हमारी मीटिंग तो कभी हम लेट शुरू करते हैं, हमारा यदि टाइम है 7:55 का
आप चेक करिए 7:56 पे शुरू नहीं होती है, 7:55 पे होती है। इसी तरह से कल का यदि 10 बजे का टाइम था, 10 बजे शुरू नहीं हुई थी, 10 बजे से पहले 2 मिनट पहले, क्योंकि हमारे मेहमान थे तो 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले थोड़ा सा मैंने उनको अटेंड, क्योंकि अब वो आ गए हैं और वहां पे अटेंड करने के लिए कोई उनको ना हो वो ठीक बात नहीं है, लेकिन 10 बजे शुरू हो गई थी। तो समय का थोड़ा सा यदि ध्यान रखेंगे कस्टमर के सामने भी काम आएगा। सो विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं, बाय।